हुए श्रीला प्रभुपाद जी के गणों में उनका स्थान अन्यतम है। हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे हमारे पूज्यपाद तमाल प्रभु जी से, और प्राय हम यह उनके विषय में एक बात सुनते हैं कि श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी बांग्लादेश में एक स्थान है सिलेट, वहाँ पर वो प्रचार करने गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों का खंडन किया, और एक स्थान पर वो गए बांग्लादेश में मेमन नाम का एक स्थान है, वहाँ उन्होंने ज्योतो मत तोतों पर इस विचार का खंडन किया, जिसको श्रवण करके श्रीला प्रभुपाद इतने अधिक आनंदित हुए, इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने पूज्यपाद महाराज जी को विद्या वागीश की उपाधि प्रदान की। ये बात हम प्राय श्रवण करते हैं, और भी उनको उपदेशक महोदय महोपदेशक की बहुत सारी उपाधियां श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रदान की, किंतु विशेषकर जो यहाँ लक्ष्य करने की बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने गुरुवर्गों से सुनी, कि हम ये बात प्राय श्रवण करते हैं कि उन्होंने जाकर के भरी सभा में जहाँ उनके सारे आश्रित लोग थे, उनके अनुगत लोग थे, उनके समक्ष उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के विचारों का खंडन किया। वहां पर शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, शिला भक्ति दैनिक माधव गोस्वामी महाराज जी वहां पर उपस्थित थे। तो इस लक्ष्य करने वाला जो मूल विषय है वो ये है कि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर किसी समय दार्जिलिंग में अवस्थान कर रहे थे, तो उनसे भेंट करने के लिए राज ऋषि शरद इंदु नारायण चौधरी आए। वह कथोपकथन बड़ा विस्तृत था, किंतु शिला प्रभुपाद जी ने उनसे एक बात कही, श्री चैतन्य के चरणों में एकांत शरणागत हुए बिना ये निर्भीकता नहीं आती। लक्ष्य करने का जो विषय है, ये बातें हम प्राय श्रवण करते हैं बार 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 कि महाराज जी का कैसा वैशिष्ट्य था, वास्तव सत्य के निरपेक्ष और निर्भीक वक्ता थे, किंतु मूल बात जो है श्रीला प्रभुपाद जी ने जो ये बात कही कि श्री चैतन्य के चरणों में एकांत शरणागत हुए बिना वो निर्भीकता नहीं आती। फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बात कही जो विशेष दृष्टव्य विशेष श्रोतव्य जो बात है, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे समस्त जगत वास्तव सत्य कथा का विरोधी हो जाए, चाहे समस्त जगत संपूर्ण जगत वास्तव सत्य कथा का विरोधी हो जाए, तो भी श्री चैतन्य के दासों की पदरेणु से मस्तक के मुकुट करके, श्रीला प्रभुपाद जी देखिए क्या भाषा व्यवहार कर रहे हैं, श्री चैतन्य के दासों की पदरेणु से मस्तक के मुकुट प्रस्तुत करके, अर्थात वही हमारा एकमात्र संबल है। श्री चैतन्य के दासों की पदरेणु से मस्तक के मुकुट प्रस्तुत करके हमको निर्भीक कंठ से वास्तव सत्य का परिवेशन करना होगा। ये प्रभुपाद जी का आदर्श था। और एक स्थान पर श्रीला प्रभुपाद जी ने बात कही कि निर्भीक भाव से जो निरपेक्ष सत्य कहा जाता है, निर्भीक भाव से जो निरपेक्ष सत्य कहा जाता है, शत शत जन्मों के पश्चात, शत शत युगों के पश्चात कोई ना कोई उसके निगूढ़ सत्य को अवश्य ही समझेगा, ये श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे। तो श्रीला महाराज जी का जो आदर्श हम लोग श्रवण करते हैं कि वो वास्तव सत्य के कैसे निरपेक्ष और निर्भीक प्रचारक थे, हम महाराज जी के आदर्श से ये अनुमान लगाएंगे, ये लक्ष्य करेंगे कि किस परिमाण में वो श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के विचारों में सुप्रतिष्ठित थे। श्रीला प्रभुपाद जिस निरपेक्षता, जिस निष्पक्षता, जिस निर्भीकता की बात करते थे, जो श्री चैतन्य के चरणों में एकांत शरणागत हुए बिना नहीं आती, वो निरपेक्षता, निर्भीकता, निष्पक्षता श्रीला महाराज जी के आदर्श में, श्रीला महाराज जी के जीवन में किस परिमाण में वो निष्पक्षता, निरपेक्षता, निर्भीकता दिखलाई देती है, इससे हम अनुमान लगाएंगे, इससे लक्ष्य रखेंगे उनके इस आदर्श का, किस परिमाण में वो श्रीला प्रभुपाद जी के विचारों में सुप्रतिष्ठित थे। विशेष करके हमारे श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बड़ी अच्छी बात उनके विषय में कहते थे कि श्रीला महाराज जी का चरित्र कैसा था। महाराज जी यदि किसी से व्यक्तिगत रूप से भी कोई वार्तालाप करते, शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी यदि व्यक्तिगत रूप से भी किसी से कोई वार्तालाप करते, वही ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग, वही वार्तालाप वो सभा में सबके समक्ष कह सकते थे, ऐसा उनका निष्पक्ष और निरपेक्ष उनका आदर्श चरित्र था, अर्थात निष्पक्षता, निरपेक्षता और निष्कपटता हमारे महाराज जी बतलाते थे उनका चारित्रिक वैशिष्ट्य था। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने अप्रकट होने से पहले श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को कुछ अपनी आदेश वाणी श्रवण कराई कि भविष्य में आप किस प्रकार प्रचार करेंगे, वो भी बड़ा विस्तृत विषय है, किंतु उसमें उन्होंने एक बात कही, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्रीला प्रभुपाद जी से एक बात कही थी कि मुद्रा यंत्र के स्थापन अर्थात प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करके भक्ति ग्रंथों के प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी की विशेष सेवा होगी, मायापुर की विशिष्ट सेवा होगी। श्रीला प्रभुपाद जी को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये अपनी आदेश वाणी श्रवण कराई प्रकट होने से कुछ समय पहले। श्रीला प्रभुपाद जी ने इसी आदर्श को श्रवण करके, इसी विचार का अवलंबन करके हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, असमिया, कितनी सारी भाषाओं में
शिला प्रभुपाद जी ने पत्र पत्रिका ग्रंथ शिला प्रभुपाद जी प्रकाशित करते थे और इस बृहद मृदंग की सेवा को, इस ग्रंथ प्रचार प्रसार की सेवा को शिला प्रभुपाद जी महाप्रभु जी और संप्रदाय की एक विशिष्ट सेवा बतलाया करते थे। शिला महाराज जी के आदर्श में, शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के आदर्श में यदि हम ये देखें कि उन्होंने किस प्रकार से और कितने गुरुत्वपूर्ण, कितना गुरुत्व दिया शिला प्रभुपाद जी के विचारों को, शिला प्रभुपाद जी के आदर्श को कितना गुरुत्व दिया उन्होंने, जिन लोगों ने उनके ग्रंथों का किंचित भी अनुशीलन किया है वो ये स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि कितने धुरंधर मूर्धन्य और अपराकृत विद्वान थे महाराज जी। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता प्रकाशित की और केवल श्रीमद् भगवद गीता नहीं प्रकाशित की, उसके साथ में भक्ति विनोद ठाकुर जी का रसिक रंजन भाष्य, बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का गीता भाष्य और उसके साथ में अपना अनुभूषण एक भाष्य शिला महाराज जी ने दिया। गोविंद भाष्य के साथ में शिला महाराज जी ने संपूर्ण वेदांत सूत्र को प्रकाशित किया और उसके साथ में अपनी सिद्धांत कड़ा नाम की टीका दी और उसमें कैसे कैसे श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितमृत के प्रमाणों के आधार पर उन्होंने सविशेष सविशेषवाद की कैसी सुंदर स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों का प्रकाशन किया तत्व कणा वृत्ति के साथ में, जिन्होंने किंचित भी उनके इन ग्रंथों का अनुशीलन किया है वो स्पष्ट अनुमान लगा सकते कैसे अपराकृत कवि एक साथ में जीव गोस्वामी पाद जी के समान एक और मूर्धन्य विद्वान, दूसरी ओर रसिक शिरोमणि, कैसे अपराकृत विद्वान और कैसे अपराकृत कवि थे वो। अभी संक्षिप्त समय में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं बस यही अपनी वाणी को विश्राम दे दूं। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात उनके विषय में कहते थे कि महाराज जी का ग्रंथों के प्रति, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कहते थे कैसा आदर था उनका, शिला महाराज जी जब भी कोई ग्रंथ प्रकाशित करते थे तो वो उत्सव किया करते थे, शिला महाराज जब भी कोई ग्रंथ प्रकाशित करते तो वो उत्सव किया करते, ये कहते हुए कि श्रीमद् भागवत भगवान का शाब्दिक अवतार है, भगवान के समान ही पूजनीय है, श्रीमद् भागवत के आलोक में जो कोई भी ग्रंथ प्रकाशित होता है वो भागवत के समान ही पूजनीय है। तो जैसे भगवान की आविर्भाव तिथि के दिन उत्सव करके भगवान की महिमा सारे जगत को सुनाई जाती है, ऐसे जब कोई ग्रंथ प्रकाशित होता है तो हम उत्सव करके उस ग्रंथ की महिमा सारे जगत को सुनाएंगे। तो जब भी कोई ग्रंथ प्रकाशित होता तो शिला महाराज जी एक उत्सव किया करते, और विशेष करके इस संक्षिप्त समय में उनके विषय में कुछ कहना इस जड़वाणी के द्वारा बड़ा संभव है। हम लोग ये जो चित्र सब कुछ देख रहे हैं इसमें भी महाराज जी का एक बड़ा सुंदर आदर्श परिलक्षित होता है। शिला प्रभुपाद जी सत शिक्षा प्रदर्शनी लगाया करते थे और उसको प्रचार का एक विशिष्ट अंग बतलाते थे। शिला महाराज जी के एक एक क्रिया में कितने सुंदर रूप में शिला प्रभुपाद जी का आदर्श परिलक्षित होता था, कितने गुरुत्वपूर्ण तरीके से महाराज जी ने प्रभुपाद जी के एक विचार को ग्रहण किया और एक एक मठ में उनके सत शिक्षा प्रदर्शनी शिला महाराज जी लगाया करते थे, बनाया करते थे। और दीक्षा गुरु के साथ साथ शिक्षा गुरु को किस प्रकार आदर दिया जाता है ये महाराज जी के आदर्श में दिखलाई देता है। हमारे गुरु महाराज जी ने भी, शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने भी महाराज जी की श्रीमद् भगवद गीता और वेदांत सूत्र को का अवलंबन करके हिंदी भाषा में वो सब ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। हमारे गुरु महाराज जी तो ये बात कहते थे कि हम उनके विषय में बड़े ऋणी हैं, क्योंकि परम गुरु महाराज जी के प्रकट होने के पश्चात श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने सब कुछ व्यवस्था हमारे गुरु महाराज जी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के लिए की थी। तो बहुत कुछ बातें हृदय में कहने के लिए बड़ा उत्साह हो रहा था, किंतु समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं बस अपनी वाणी को यही विश्राम देकर शिला महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणति, यद्यपि ये केवल मौखिक प्रणति है किंतु इस भावना के साथ कि जिस किसी प्रकार से भी यदि उन महापुरुषों का किंचित आदर्श भी हम अपने जीवन में पालन कर सके तो वास्तव में हमारे इस विदय तिथि को मनाना, मेरा इस विदय तिथि को मनाना सार्थक हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे गुरुदास के लिए एक ही काम गुरु महाविष्णु संपादन की उत्तम शिष्य का लक्षण जो आता करी है, केवल आता करी है माध्यम है, जो अश्रद्धा से पालन करते हैं तो अधम है और जो पालन नहीं करते तो मौल और मित्र के समान है। पुत्र के विचार में इसी चलते हैं तो पुत्र में करना है तो पुत्र में सिद्ध स्वरूप कभी अधम काम नहीं करते। जो सिद्ध स्वरूप है वो केवल सिद्ध काम ही करते हैं, असिद्ध काम कभी नहीं करते नहीं करते। सिद्ध के लिए सिद्ध काम उपजक्त है, सुना में
प्रयानंद वन महाराज कृष्ण जी दर्शन मधुर मधुर बताए सारण तत्पश्चात समग्र विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का विशेष प्रचार नित्य लीला और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती सभापति महादाय त्रिगंधिपादवान धामभूषण वैष्णववृंद स्नेहमयी प्रणामी मातृशक्ति सबका यथाजोग्य दंडवत प्रणिपात ज्ञापन करके सबका वास्तविक गुरु वैष्णव का कृपा जिसका ऊपर वर्षित हो जाता है वही केवल अनुभव कर सकता है कि क्या गुरु और वैष्णव का सेवा क्या है। गुरु वैष्णव का सेवा होने में भगवान प्रसन्न भगवान का प्रसन्न विधान होता है। गुरु वैष्णव के छोड़ के भगवान को भी प्रसन्न नहीं। गुरु वैष्णव का सेवा करने में भगवान प्रसन्न होता है। इसीलिए भक्ति सिद्ध भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ महाराज के जीवन में देखा जा गुरु का अनुगत तो कितना करना है।
गुरु का अनुगत्य जो जितना परिमाण, गुरु वैष्णव का अनुगत्य जो जितना परिमाण करेगा वो उतना ही परिमाण भगवान का बहुत सन्निकट में जाने का अधिकार मिला। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान, गुरु वैष्णव, इसलिए हमारा गुरु जी वो लिखा गुरु जी का एक लाइन में, श्री गुरु चरणों आदेश पाइया ताहते मिचा कोहुना कुरिया पालोने प्रयास सतत करिबो कृत दास करे जान। आप लोग गुरु का खरीदा हुआ गुलाम, गुरु वैष्णव का कृपा हम लोग का ऊपर तब वर्षित होगा जब हम लोग उसका ऊपर हमारा जीवन का सारा समर्पण कर देगा, सारा एब्सोल्यूट सरेंडर हो जाएगा, जब तक शरणागति हो जाएगा। वो शरणागति नहीं होने में कुछ मिलने वाला है नहीं, इसीलिए गुरु वैष्णव का इस जगत में शरणागति होना तो गुरु वैष्णव का चरण और भगवान का चरण शरणागति होना चाहिए। गुरु वैष्णव भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी का जीवन में देखो, हमारा भारती महाराज जी तो देख के ही उसका कितना एवं उसका वाणी में इतना ही। इसलिए गुरु वैष्णव का हमारा यही शिक्षा है, हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य करके जितना दिन इस जगत में रहेंगे जो उतना गुरु वैष्णव का अनुगत्य करके सारा दिन दिन में बस हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम कर सकता है एक दिन ना एक दिन गुरु वैष्णव कृपा से हरि नाम भी हमारा जी हमें स्पूर्ण हो सकता है। एक बोल के हमारा वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। वंशा पाइप करो नमो नमः। सपार्षद गौर हरि की, सपार्षद राधा गोविंद की, सपार्षद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव मंडली की जय। जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि वो उपनिषद से हम लोग देखते हैं आचार्य भगवान मनुष्य है और एकमात्र है निवेदित आत्मा मनुष्य है, जो समर्पित आत्मा है जो आचार्य भगवान है। आचार्य भगवान तो हजारों है, उसमें विशेषता है निवेदित आत्मा, सब कुछ जानते हैं निवेदित आत्मा के लक्षण के लिए उसमें भेद करते हैं। आश्रय विषय में एक ही ज्ञान जस्ट देखे परावृत्ति जगह देवी के इसका मूर्ति इसके मूर्ति भक्तवान देखे सुन रहे हैं श्री भक्ति श्री सिद्धांत उनके चरणार्थी भक्ति विधान तो मनुष्य महाराज पुष्पांजलि प्रदान करें। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्मनिधि पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सती भक्त जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज निखिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज निखिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानु गुरुवर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कुछ पद सभापति महोदय दंडिपादगण वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जनता जो
दंडवत अभिवाद। आज जगत गुरु निखिला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई गोपाल जी के श्री चरणाश्रित विष्णुपाद अष्टुर भक्ति गदान भक्ति श्री रूप सिद्धांत जी गोसाई महाराज जी की भक्ति थी। आप पूर्व पूर्व वैष्णवों के मुखारविंद से अशेष विशेष रूप से उनकी महिमा का श्रवण किया। अप्राकृत वस्तु कभू ना ही प्राकृत स्वरूप उनका जैसे गुरुदेव ने नाम रखा, प्राकृतिक दृष्टि से उस वस्तु को छुआ नहीं जा सकता, और यदि उसे छूना है तो जस से देवे परा भक्ति जाता देवे तथा श्रवण आदि सुर चित्त करे उदय। वो भी कब उदय होगा? जब उनकी भावना के अनुसार सुनेंगे। आप अपना जोर जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। शरणागति का मतलब मैं आपका हूँ, आप कहूँ तो और अपना नहीं चलता। अनुकूल संकल्प और प्रतिकूल से विवर्जन मृत्यु विश्वास से बहुत तृप्त वर्णन तथा आत्मनिश्चय प्रकार पण्यम कर्तव्य करना है। तो जब मैं आपका हूँ तो हमारे लिए क्या श्रेय है वो करिए, हम क्या चाहते हैं वो बात मत सुनाइए। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, आम इमली कटहल जामुन सब चाहते हैं। इसलिए भगवद गीता में श्री महाराज गीता का अनुभव से और वेदांत सूत्र के सिद्धांत केवल सिद्धांत सिद्धांत है, रस सिद्धांत गौड़िया में केवल सुखा सिद्धांत नहीं है, रस है, रस से परिपूर्ण है। इसलिए हम लोग सिद्धांत बोले मानस नहीं करते, क्यों नहीं आलस करते, वो रस है। और कभी रस नहीं माना कि सिद्धांत बलिया जिससे न कर आलस, यह है कि लागे कृष्ण आलस करने से सब गड़बड़ आ जाए। लेकिन शिष्य का कर्तव्य यही है कि गुरु के चरण में जब जाए तो केवल यही पूछे कि मेरा क्या श्रेय है। कार्पण दोषों पर स्वभाव पृछामी स्वाम धर्म समूह चेता जस प्रयस जात निशितम रूही तन में से सत्य हम साधि मम स्वाम प्रपन्न। जस प्रयम स्यात सुनिश्चितम, जो निश्चित रूप से मेरा कल्याण की बात वो कहे। इसलिए गुरु जी के शरण में आए और अपने गुरुदेव के कल्याण और सिद्धांत की बात सुने, जो जीव के लिए क्या कर्तव्य है क्या करना है। सुनने के बाद में इनके गुरुदेव कौन थे? जगत गुरु ने भक्ति सिद्धांत और सिद्धांत सिद्धांति का ही जन्म देता है, क्योंकि जो सिद्धांत को जानते हैं वो सिद्धांति है। सिद्धांत भी सिद्धांति भवती, सिद्धांत को जानने वाले को सिद्धांति बोलते, सिद्धांत का जानकार। और गुरु जी के जितना करीब पहुंचे किस स्तर से किस भावना से वही जथा जेवे तथा गुरु, गुरु जी के प्रति कहीं कहीं तो बोलना नहीं, देव से भी कृष्ण से भी गुरु में अधिक हो। मद पूजा भयो अत्यधिक सर्वभूते सुमन मत, बराबर करने से भी वो पूरा पकड़ में नहीं आएंगे। इसलिए गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति मुझसे भी अधिक मत पूजा करते, और अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास इतनी भक्ति। गुरु जी के जितने सिद्धांत है सब इन्होंने ग्रहण किया और इतने सिद्धांत उत्तम शिखर पर चढ़ गए कि जहाँ पर निर्भीक होकर के आप पहले सुन रहे थे, हमारे जी बता रहे थे बांग्लादेश में, तो कौन इस तरह की बात कर सकते जिनको अपने सिद्धांत में पूर्ण विश्वास है। और सिद्धांत की चरम, क्योंकि जो लोग कृष्ण भजन नहीं करते या कृष्ण तत्व को नहीं जानते वो तो सिद्धांत भी तो नहीं, और सिद्धांत को सिद्धांत करते। तत्व वस्तु कृष्ण भक्ति प्रेम रूप कृष्ण नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। तत्व वस्तु जो है कृष्ण है, कृष्ण के भक्ति है, कृष्ण के प्रेम है, कृष्ण के नाम है, गुण है, रूप लीला धाम ये सब जितने हैं सब क्या है? तत्व वस्तु है, प्राकृत है, ये सब कृष्ण के समान है, ये सब आनंद से ओत प्रोत है, ये सब फलादनी सार संबित सार वृत्ति से बने हुए हैं। भागवत गीता में तो तीनों हैं सचिदानंद, लेकिन उनसे जो भी प्रकट हो तो उनमें भी सब चीज है। और विशेषता यह है कि भगवान के स्वरूप में जो वस्तु है उस वस्तु में उनको उतना आनंद नहीं जितना वस्तु जब बाहर होकर रसगुल्ला के रूप में उनको सामने भी भोग लग जाए या राजभोग हो। रसो वैसा तो है आनंद ब्रह्म, लेकिन वो आनंद ब्रह्म भी
जब उन सब तत्व रस बाहर निकल के जब उसका अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास करने वाले के पीछे भगवान भागते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र का जो है अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि में पहले भगवान को जानो कौन है रसो वैसा, जानने के बाद उसका अभ्यास करो, उसका आराधना करो, फिर संगराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। जब आराधना करेंगे तो वस्तु हृदय में आएंगे और कई बार प्रत्यक्ष भी होंगे, जैसे नागादादी को हृदय में हो गए प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं आराधना करने से, तब तो समन बयाज। इसलिए अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो का संग जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रजवासियों कितना भाग क्यों है, क्योंकि साक्षात उस पूर्ण ब्रह्म आनंदमय को परम तत्व को रसो वैसह रसो देवायम रसो आनंदी भक्ति उसका अभ्यास करते, निरंतर अनुशीलन करते 24 घंटा। जहाँ पर जुगा इतम निमिष है न चछुता प्राविशा इतम शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम पश्म कृतिरसाम। और यहाँ पर भी जस्यानन मकर कुंडल में बता रहे हैं, जस्यानन मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सुविलास हासम नित्योत्सव त्रिकुदृष्वितिवंतो नारजा नारास्य मुदिता कुपिता। जिनका एक क्षण विलग होने से केने व आछे प्राण की सुख लागिया नरोत्तम दास के हो लगे। आज विरह का दिन है, विरह का मतलब है जहाँ पर एक क्षण का अलग नहीं होना, जहाँ पर अत्यंत तन्मय हो जाना, मिलन में वस्तु है कि नहीं है पता नहीं चलता, लेकिन विरह में वस्तु बिल्कुल साक्षात होता है। लेकिन विरह को सहना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन विरह रस है। जब कृष्ण तो धाम गए तो वहां पर पूछ रहे हैं कि तस्मिन् न्यस्त धिया संगेरंग विरहम कथम, एक पांडव लोग कृष्ण से कैसे विरह को सहन कर पाए, जिनके साथ उठते बैठे खाते भोजन करते, कैसे ब्रजवासी लोग विरह को सहन कर पाए। लेकिन ये रस है कि प्रलम रसाम बोधे पदाम बुझाए। इसलिए उद्धव जी आए तो विरह है ना महाभागा महान में अनुग्रह मना महान में अनुग्रह सर्वात्म भाव अधिकृत। और भी कह रहे हैं रामे ने सार्थक मथुरम पर परिणीता वहाँ पर मत विजोग भावे न तिपराध है अन्यम न ददर्शु सुखा। विरह एक ऐसा रस है कि उस सुख में डूबा व्यक्ति को और कोई सुख कर लगता ही नहीं, एक रस है। और आज का दिन है श्री रूप सिद्धांत जी को सही महाराज जी दूसरा प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुता सुहा ध्याना प्राप्त चुता क्लेश निर्वृतया छिन्न मंगला। आज अपने राधा जी को सेवा में कृष्ण की सेवा के विरह में इतना ताप हुआ। अशुभ क्या है, एक क्षण का त्रुटि एक क्षण का दर्शन ही भक्तों के लिए अशुभ होता है, और उनका कोई दूसरा शुभ नहीं है। जो जितना समय सेवा नहीं करते वही दिन सबसे बेकार है। तद दिनम दुर्दिनम मन्ने जस असुर कथा लाप कर्ण पीयूष वर्जित तद दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम। जिस दिन कथा न हो साधु संग न हो और ब्रज के भाव की भक्ति की बातें सुनने को न मिले वो दिन दुर्दिन है। आज विरह का दिन दुर्दिन है, सुदिन है, बहुत अच्छा दिन है। जिसको विरह महोत्सव करे और शोक आदि तो शूद्र करते हैं, आज शोक का दिन आनंद का दिन है। क्योंकि जिस सेवा में चले गए तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे तम नये माम चरणांतिकम देवी दुख पुर सागर उदरे जुए मानमतिम दुर्गतम जनम कृपया तव पाद पंकज स्थित कृपया तव पाद पंकज परवर नौकाय भूत प्रापय सपद पंकज। जहाँ पर जाकर सेवा करें और सिद्धांति महाराज जी सिद्धांत रस भाव के ज्ञाता, क्योंकि जो वेदांत सूत्र की व्याख्या करें तो समझो कि भागवत से ही अर्थ को प्रदान करें। अर्थ है ब्रह्म सूत्र और भागवत के अर्थ में जहाँ पर आशीर्वाद दिए वहाँ पर व्यास जी ने और सुखदेव जी ने जो कहा पिबत भागवतम रस मालयन मुहुरो रसिका भूवि भाविका रसिका और भावुका। रस चार है ऐसे तो पांच मुख है, दासक वासर श्रृंगार चारि रस चारि भावेर भक्तजन कृष्ण सार रस युग धर्म प्रवर्तयु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नचायु मन। तो जो चार भाव रस वाले भाव वाले जो भक्त हैं उन भक्तों को बुलाएं,
बोले रसिक होने से नहीं होगा, रसिक के साथ भावुक होना चाहिए। अपने अपने भाव, अपने अपने रुचि को पहचानना पड़ेगा। जब तक रुचि को नहीं जानेंगे, भाव को नहीं जानेंगे, तो कथा केवल कथा होती और रस नहीं होती। सतांग प्रसंगान ममग्रंज समित भवंति हित कर रसायन कथा। भाव को जान करके, रुचि को समझ कर जब कथा सुना जाता है संबंध के साथ, तो कथा नहीं कथा रस है। और नहीं तो इधर सुना इधर गया और फिर अपना उपद्रव शुरू कर दो। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र विदिंग बिना एकांति की हरि भक्ति बातें वह कर। इस रूप से दांते को श्री महाराज ने सिद्धांत द्वारा हमारे गुरुवर गुरु गोस्वामी जी और सारे लोग बड़े विनम्रता के साथ, कोई अहंकार में नहीं, बड़े विनम्र से उन्होंने रस को सिद्धांत को बांध के रखे और बड़े प्रभु से यहाँ तक बोलते अभिभक्त 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 मत प्रकृति लघु उपाद बुधा विधात्री सिद्धांत हरिगुण मय कृति रयम पुलिंदो अति समिधा सममत जनितो हिरण्य श्री नाम अपरति नाम प्रमसता। मैं बहुत दीन हूँ, मैं तुच्छ हूँ, रूप हूँ और मेरे से सारे भाव सिद्धांत महापुरुष ने प्रकट करवाए, लेकिन तुम लोग सिद्धांत भाव रस मंगल करेगा। चाहे भले पुलिंद नहीं काश का घर्षण करके अग्नि प्रकट किया हो, लेकिन वो आग ये नहीं कहता कि मैं स्वर्ण को शुद्ध नहीं करूँगा। उस आग में जो भी पड़ेगा, जो भाव वाले जाएंगे, सब भाव को पुष्टि पुष्टि हो जाएगी। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्न कत्री चय काल प्रपद्य मानस यथास्मृत्यु तुष्टि पुष्टि सुदाम। ऐसे गुरुवंती महाराज के चरणों में आज उनके तिरुभव तिथि पर अनंत कोटि प्रणाम। ऐसे गुरुभाग प्रकट होगा, हम लोगों के ऐसे भाव विचार में बांधा कि हम लोग इसको पकड़ लेंगे तो भक्ति से कभी च्युत नहीं हो सकते। वांछा कल्प त्रुभ्य कृपा सिंधु वैवच पतिता नम पावने ध्रो वैष्णवे नमो नमः। वेदांत सूत्र में लॉस है, लाकड़ी का दर्शन करते आग नहीं मिलते हैं, लेकिन माध्यम से मिलते हैं, दर्शन से मिलते हैं। नए है तो भगवान गोविंद जी आपने स्वयं बलदेव प्रभु के द्वारा क्यों रचना की। इतने रस है जैसे मिश्र में, मिश्र में रस है जब सोचते हैं तो मिलते हैं, लेकिन दर्शन से नहीं मिलते। रस का एक रूप तरल रूप है, रस का दूसरा रूप में कठिन रूप है। तो रस का जो तरल रूप बना के हमको सब पिलाया है जो महापुरुष वेदांत सूत्र, कठिन रूप वेदांत सूत्र मिश्री का शक्ति मिश्र को बस पाना बना के हम सबको पिलाया जो महापुरुष। पहले तो बहुदेवी दर्शन तुम और उनके बाद वो बना बहुत सरस बना के जो हम सबको पिलाया। तो तुम महापुरुष के चरणारविंद में अरे कृतांजलि प्रदान करेंगे और उदय करके आशा के शुभार शुभार गोपालंद महाराज से।
भक्तिविद और सरस्वती धारा में आज जितने दोस्त अपना हम सबकी चरण ये लोग अपने वस्त्र की भूषण देखिए जगत में नहीं होता है। विरह जगत की वस्तु नहीं है। विरह किसकी हुआ था? ब्रज लीला में विरह हुआ जो कि उनको विरह और द्वारका में मनुष्य लोग भी अभिमान किया है कि कृष्ण ब्रजगोपियों के नाम करते हैं, ब्रज गोपियों के नाम करते हैं, हम उनके बगल में होते हुए भी कभी भी हमारा याद नहीं करते क्योंकि अभिमान होता है कभी नहीं है ऐसा। भगवान दिखाया, भगवान की संपर्क तो है कहाँ, भगवान रहते कहाँ, इसके लिए भगवान ने एक लीलावत प्रकाश किया। उनके अच्छा नहीं लगता है, महिषी लोग समालोचना करते हैं, हमारा याद नहीं है ब्रज गोपियों को जिसकी बसंदगी भूखन नहीं दूध दही बिक्री करके खाते हैं, ऐसे ग्वालियों के नाम करके रोते हैं। लेकिन बिना इस जगत की है रोते हैं और हम उनकी वजह से होते हुए भी हमारा कोई नाम नहीं, हमारा ही याद नहीं। भगवान ने कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बीमारी हुआ पड़े हैं कोई भी बदले नहीं उनकी बीमारी को उपशम करे, फिर लंबा चौड़ा बात है। फिर उन्होंने दिखाया कि देखो ब्रजगोपी कैसे हैं, हमारा निवास कहाँ है, तुम लोगों के छोटे में चले जाऊंगा तुम्हारा अभाव होगा, सुख नहीं रहेगा, दुख होगा, इसलिए तुम्हारा अभिमान है। लेकिन हम जिनकी वस्तु है जो हमारे असली वस्तु है
उनकी इस प्रकार की भावना नहीं है। क्या कहते हैं, अदर्शन मर महातन करो जुआ पर मौत पुराना नाथस्तु स्वय बना पर सुनो। क्या कहते हैं गुरु, इनके वचन नहीं है, गुजर नहीं है, अशौचल हो गया, आज तक उन्होंने आहार नहीं, आज तक इनके हृदय के ऊपर से युवा की पहिया पीस करके चले गए हैं। तूने आज भी हमारा बहुत अवलंबन करके उधारी दृष्टि दिया है, आगे नहीं कि हमें बेईमान कह करके जिनके लिए हमने प्राण ढाल दिया, प्राणा नाथ है महत्वाणा नाथ उसको उसके बाद भी उनकी हृदय को प्रसन्न करके जब चली आई, आज भी वो कहते हैं कि मत प्राणनाथ सुना विरोह जो है हम कहते हैं कहने की बात है, लेकिन आंसू में यहाँ विरोह नहीं है, शोक है, जगत में शोक है, विरोह नहीं, विरोह तो भगवत लीला है, भगवान को ही करती है। जब हमारा साधन करेंगे, सरस्वती ठाकुर जी आप उन्होंने दिखाया शास्त्र में, उसी का वर्णन करते हुए जीवन हमारे गुरु महाराज किया था, उनकी सामर्थ्य थी मटपक ने बना लिया, लेकिन नहीं बनाया नहीं। अभी जिस देश में हजार हजार देश के लोग आकर सामर्थ्य में अंदर प्रकट कर रहा है, लेकिन वहाँ आचरण नहीं है, साधन नहीं है, पवित्रता नहीं है, एक उच्छ्वासमय भाव है, इतना ही है। तो ये भी धीरे 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 भगवान के पास जो होता मिलता हो रहा है, हो रहा है। यदि हम भारत पर शुरू करके भारत में जाना हुआ अब जीवन सार्थक करें तो गुरु की जीवन निर्देश को पालन कर सकते हैं, तभी मान होकर के भगवत विरह कृष्ण विरह क्या उसको कर सकता है, यही तो बात की बात। तो आज इस महापुरुष ने भी विवाह की है, आप सभी लोग उनकी महिमा जो कम किया उससे हमारा हृदय आनंद सागर में निमग्न है कि हमारा जीवन ऐसा कब होगा, कब हम उनकी महिमा कीर्तन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। Thank you.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यरिष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सवमूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म समंत्र ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिन्न कलेवर नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्त्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्त्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित श्री सहावत महादय भक्ति सर्वसु गोविंद महाराज श्रीला बन महाराज गोपानंद बन महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णव सभी के चरणों में मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज आप लोगों ने मेरे गुरुपाद पद्म को विषय में बहुत बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनी, जिस कथा को सुन करके मेरे हृदय का एकदम प्रेम में गदगद हो गया। कम से कम गुरु जी की हमने कथा सुनी। इसलिए वैष्णव का कहना है जब श्रीमान कृष्ण आए तभी हम भी आए, जब भगवान राम आए तभी हम आए, जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए तभी हम कृष्णा किस रूप में आए, जब श्री गोस्वामी लोग आए तब भी हम कृष्णा किस रूप में आए, जब श्री हमारे स्वर्ग गोस्वामी आए नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए तब भी हम आए, लेकिन हमने किसी ने उधार नहीं किया है। हमने किसी ने उधार नहीं किया, उधार हमें क्या किया, किसी ने किया है? ये नरक से हमारी चोटी पकड़ करके ये नरक से हमें किसने निकाला है बता, किसने निकाला है? गुरुदेव निकाला है। इसलिए श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे, इसलिए हमें जो गुरुदेव है हम सबके सब ज्यादा जो ऋणी है श्री गुरुपाद पद्म का चरण। इसलिए बोले गुरुपाद पद्म जति था भक्ता के भक्ति निष्ठा जगत तारिणे से ही धैर्य महाशक्ति। इसलिए जिसको जितने गुरु जी के चरण में जिसको जितने भक्ति है और उसका उसी परिमाण में ही उसको भगवान के चरण में भक्ति है। अगर गुरु जी के चरण में जिसकी भक्ति निष्ठा नहीं तो भक्ति जगत में उसका कोई भी स्थान नहीं। इसलिए महाराज जी बता रहे थे तीन तरह के भक्त है, कहते एक उत्तम एक कनिष्ठ और मध्यम। कहते उत्तम भक्त कौन है? बल उत्तम भक्त हुए ही गुरु जी बोलने से पहले गुरु जी का आदेश से पहले जो गुरु जी की इच्छा को जान करके उसको पहले जो करते, कहते ये उत्तम भक्त है। कहते मध्यम भक्त कौन है? बल गुरु जी बोलने पर
गुरु जी का आदेश को पालन करके उसको यथार्थ रूप में पालन करके। कहते भैया अधम कौन है जी, बोले गुरु जी बोलने पर भी कहते गुरुदेव से ब क, कहते से को निकाल दो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, बक है, वो सेवक ही हो बक है, इसलिए वो बक है। इसलिए आज हमारे श्री गुरुपाद पद्म का जन्मतिथि आप लोगों ने विभिन्न वैष्णव के मुखार विद से विभिन्न दृष्टिकोण से उनकी महिमा को श्रवण किया। कहते जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इसी जगत में आए अकेले नहीं आए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी दया करी सपार सरसी ओ धाम सहावत। इसलिए जब महाप्रभु आए संपूर्ण अपना निकुंज को उन्होंने उसी जगत में उतार दिया, उसी तरह जब श्रील प्रभुपाद आए उसी समय श्री प्रभुपाद श्री नयन मणि मंजर रूप में निकुंज में राधा रानी की सेवा में ये संलिष्ट थे, उसमें निजुक्त थे। प्रभुपाद स्वयं नयन स्वयं राधा रानी नयन मणि मंजर को आदेश देते हैं, बोले नयन मणि मंजर जाओ जगत में जीव का दुर्दशा देखो, कैसे जीव भगवत विमुख होकर के कैसे संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, तुम जाओ इनको उद्धार करके लाओ, लेकिन अकेले मत जाओ। राधा रानी कहती है तुम अपना परिवारों को ले लेगा। इसलिए प्रभुपाद जब इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए, संपूर्ण अपना परिवारों को उसने जगत में पूरा के पूरा अपना परिवारों को लेकर के आए। प्रभुपाद भी पूरा अपना निकुंज उतार दिया। इसलिए कहते जैसे श्रीमान प्रभुपाद श्रील महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक इच्छा उन्होंने पूरी करते हैं, जैसे श्री रूप गोस्वामी को द्वारा रसक सिद्धांत स्थापन करते हैं, श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान को, रघुनाथ दास गोस्वामी का रस सिद्धांत का हमारे प्रयोजन को, हरिदास ठाकुर को द्वारा नाम चार्य स्थापन करते हैं, लेकिन इसलिए जीव गोस्वामी को द्वारा वो क्या करते हैं कहते ये सिद्धांत सलीले। इसलिए जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव गोस्वामी का वे सिद्धांत सलीले घुचाए वे तरकानल जाए चीत, इसलिए उनको द्वारा उन्होंने सिद्धांत को स्थापन करते हैं। उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी यद्यपि महाप्रभु का भविष्यवाणी को महाप्रभु जिस जिस भक्तों के द्वारा जितने रूप में स्थापन करना चाहते थे उसी रूप में स्थापन किए, लेकिन संपूर्ण महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आशे जतर नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि विमरणा, एक दिन सुखी है या लोक मर गायब के कीर्ति, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण विश्व कृष्ण कीर्तन में डूबते हुए निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हो सुखी होकर के संपूर्ण भक्ति रस में सराबर हो जाएंगे। अगर ये पानी को पूर्ण रूप में अगर स्थापन किया किसी ने, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है, यह महापुरुष क्या उन्होंने किया है, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद है कौन, बोले राधा रानी की ये नयन मणि मंजर, हम कहते ना मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक सोगहारी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भुविलासी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कथा करी ससिहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कहते राधा रानी की कृपा कटाक्ष से ये प्रभुपाद है, क्यों नयन मणि मंजरी है, त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिलोक का शोक को जो हरण करने वाले कौन है, कहते प्रभुपाद। लेकिन कैसे उन्होंने किया है इनको विषय पर कहते हैं इन्होंने है? चलो भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज प्रभुपाद विषय में कहते हैं अभी तक जगत में जितने आचार्य आए एक तराजू लेकर के उनका आचार्य जो तो उनके भजन को सबको देन को एक तरफ में रख लो, लेकिन प्रभुपाद का देन भजन को अगर एक तरफ में रखोगे इनकी पाला भारी पड़ेगा इनका प्रभुपाद। बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, लेकिन इन्होंने ये इच्छा को पूरी कैसे किया है, इन्होंने अपना परिकर को द्वारा किया है, उन्होंने जैसे महाप्रभु जैसे एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक उन्होंने इच्छाओं को पूरी किया, प्रभुपाद भी ये छोटे छोटे बालकों को लेकर के
या अपना गण को लेकर के उन्होंने अपना एक एक इच्छा पूरी किया उन्होंने। अब भक्ति माधव गोसाई महाराज को देखो, वो कहीं जाए कहते हैं मठ को बड़ा मठ कहते हैं, कहीं जाए उन्होंने मठ स्थापन कर देते थे। भक्ति सारण गोस्वामी महाराज जहाँ पर भिक्षा नहीं मिलेगा वहां पर भी प्रभुपाद के लिए किसी ना किसी तरह से भिक्षा करते थे। भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज इन्होंने प्रभुपाद पहले निर्जन भजन करते थे लेकिन उनको बाहर लाने वाले वो नहीं, ये भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव इनको बोलते थे अगर ये महापुरुष नहीं होते भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज अभी तक हम प्रभुपाद को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। भक्ति हृदय बनदेव गोस्वामी महाराज जहाँ लेक्चर देते थे उनको अंग्रेजी में, जब अंग्रेजी में बोलते थे इतने कम काल कॉलेज में कभी उन्होंने बुलाया उनको, जब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बोले अंग्रेजी सुनकर के बोले भैया अंग्रेजी भी इतने सुंदर है अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, तब ये फक्कड़ बाबा साधुओं के क्या समझते हैं जिसको घर में खाना पीना है नहीं मिलता नहीं वो लोग वृंदावन में आकर साधु बन गए हैं, लेकिन इनकी भाषण सुनकर के बड़े बड़े दिव्य बड़े बड़े विद्वान भी चकाचौंध हो जाते थे इनकी भाषण सुनकर के। इसलिए प्रभुपाद इसलिए एक एक द्वारा स्थापन किया, लेकिन मेरे गुरुदेव इनको द्वारा क्या स्थापन किया कहते इनको द्वारा इनको दूसरे जीव गोस्वामी का जैसे स्वरूप है जैसे इसलिए जीव गोस्वामी जगत में सिद्धांत को स्थापन किया है कहते मेरे गुरुदेव ही उन्होंने ये सिद्धांत को स्थापन किया, इसलिए इनका नाम क्या है भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज। कहते इनका ब्रह्मचारी का नाम क्या था प्रभुपाद भी इनका नाम सिद्ध स्वरूप रखे हैं, इसलिए प्रभुपाद जिनकी विद्वता को देख करके जिनकी विद्वता को देख करके प्रभुपाद इनका टाइटल देते हैं विद्याबागी, विद्याबागी से बोले विद्या में जो दूसरे सरस्वती इनका उन्होंने टाइटल इनका नाम उन्होंने प्रभुपाद ने दिया है। इसलिए इनका जन्म कहाँ हुआ कहते पूर्व बंगाल में, अक्सर करके कहते इनका बैसाल में जन्म है। अब अक्सर करके देखो हमारे जितने गुरुवर्ग हुए हैं वो अक्सर कहाँ हुए हैं कहाँ पर हुए क्यों कारण क्या है इसका कारण बताए बोले जिस समय श्रीमन महाप्रभु इसी जगत को छोड़ करके प्रभुपाद महाप्रभु गए उन्हें पद्मा नदी को बोले पद्मा तेरे पास मैं अपना प्रेम को धरहर रूप में रख करके जा रहा हूँ, भविष्य में एक महापुरुष आने वाले ये प्रेम को तुम उन्हें प्रदान करना। पद्मा कहती है मेरे को पता कैसे चलेगा वो महापुरुष बोलो इतने बड़े महापुरुष जब केवल तुम्हारी चरण स्पर्श उसको प्राप्त होगा अपने आप तुम्हारी पानी को खंड लग जाए तब तुमको पता चल जाए पद्मा कि जब वो पानी जब उफना उफन उफना उसी समय का हवा आए वो हवा ने उसकी उस जो उफन रहेगा उफना उसको स्पर्श करते हुए जिस तरफ में हवा चली गई कहते पूर्व बंगला के वहां के भक्त लोग कहते हैं हर जगह में भक्त नहीं है पूर्व बंगला में हर जगह में भक्त नहीं है वो जो हवा जिस तरफ में बहते हुए गई चूंकि वो महाप्रभु का प्रेम था है वो साधारण नहीं जो महाप्रभु का प्रेम था वो हवा केवल जिस तरफ में हवा गई पास वो कौन है तथा हमारे जितने गुरुवर्ग है वो कौन सबके सब वो सबके सब प्रेमावतार है। इसलिए जैसे श्रीमन महाप्रभु संपूर्ण निकुंज को उतार दिया था उसी तरह प्रभुपाद जब आए उन्होंने अकेले नहीं आए संपूर्ण अपना निकुंज को उन्होंने भी अपना निकुंज को उतार दिया क्योंकि राधा रानी स्वयं बोले अकेले मत जाओ पूरा अपना सहचरों को लेकर के जाओ। इसलिए प्रभुपाद कोई कोई बाबा जी लोग कहते हैं ना अरे गौड़ीय मठ तो केवल छिबड़ा चुसने वाले हैं ये मंजरी उपासना नहीं चाहते नहीं इन्होंने अपना अपना भक्तों का परिचय दिया हमारे से भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज को उन्होंने उनको नाम बताया विमला मंजिल उन्होंने बताया प्रभुपाद उनको विमला मंजिल नाम जो हमारे भक्ति हमारे जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी उन्होंने विनोद मंजिल उनको नाम दिया है। इसलिए ऐसे नहीं प्रभुपाद केवल गौड़ीय मठ वाले केवल छिबड़ा नहीं चूसते हैं लेकिन इन लोग प्रॉपर रूप में जैसे बाबा जी लोग वो आते ही बास लड्डू मंजरी कचौड़ी मंजरी और रसगुल्ला मंजरी इनको नाम दे देते हैं इनको नाम देकर के लेकिन नहीं प्रभुपाद ने प्रॉपर उन्होंने सिद्धांत को प्रभुपाद ने दिखाया इसलिए उन्होंने जो उपदेशामृत ग्रंथ इसलिए प्रभुपाद कहते थे उपदेशामृत बाबा जीओं के लिए वज्र है क्योंकि उन्होंने सचमुच से जो साधन का जो स्तर उन्होंने बताए पहले बाज वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर यहाँ से सूर्य साधन ऐसे नहीं प्रभुपाद कहते थे ऐसे नहीं अभी शौच क्रिया करने के बाद कितना बार हाथ धोनी चाहिए जिसको पता नहीं उसको लड्डू कचौड़ी मंजरी नाम तुमने दे देते हो दो दिन बाद में हैं दो दिन बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर संसार में एक मंजरी दूसरे मंजरी से शादी कर लेते तीसरी मंजरी जन्म हो जाती
ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, इसलिए हमें छलांग नहीं लगानी चाहिए। महाप्रभु ने जो धारा दिया है, हाँ, चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बोधि जी, उन्होंने जो धारा दिया है ये प्रखर धारा, इसलिए हमारे गौड़ीय मठ भक्तों को इतने, हाँ, कोई कुछ थोड़ी कुछ बोल दिया बस भाग्य उधर, बात सही बता रहे नहीं, सचमुच जो सिद्धार्थ, इसलिए मेरे गुरु जी का नाम भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, इन्होंने सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया जगत में, इन्होंने सिद्धांत को, इसलिए इन्होंने जितने हमारी ग्रंथ है आप लोगों ने श्रवण कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जब वेदांत सूत्र को स्थापन किए उसी विषय में भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज खुद बोल रहे, वो कह रहे थे प्रभुपाद रहते समय प्रभुपाद ने हमें कोई बताया था, क्योंकि श्रौती गोस्वामी महाराज उस समय बड़े दुर्लभ विद्वान थे संस्कृत पंडितों की, इसलिए प्रभुपाद एक बार उनको बताए थे, देखो जब तक किसी संप्रदाय में जो प्रस्थान त्रय है, हैं, तीन ग्रंथों पर में, एक तो वेदांत सूत्रों के ऊपर में, दूसरे उपनिषदों के ऊपर में, तीसरे भगवत गीता के ऊपर में, जब तक ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में कोई अपना भाष्य नहीं हो, यहाँ तक भी चार संप्रदाय में तो गणना है ही नहीं, यहाँ तक भी मायावादी शंकर संप्रदाय में भी उसको स्वीकार नहीं करते कोई संप्रदाय के व्यक्ति, आप जैसे पारिजात भाष्य है और श्री भाष्य दूसरे दूसरे संप्रदाय में, इसलिए प्रभुपाद ने कभी को कह रहे थे, प्रभुपाद मेरे को बताए थे अपना संप्रदाय का विचार से होनी चाहिए, श्रौती महाराज कह रहे मैंने कोशिश किया क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी, नहीं तो संप्रदाय नहीं मानी जाती, लेकिन हमने भी कुछ किया, लेकिन मैं एकदम मन से संतुष्ट नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने जब सुना ये भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज अभी ये वेदांत सूत्रों के ऊपर में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तोड़ तोड़ कर गया महाराज के पास में, सचमुच से मैंने देखा अद्भुत रूप में, आप लोगों ने देखे होंगे वेदांत सूत्रों के ऊपर उन्होंने चार चार ग्रंथ, और वो भक्ति बुद्ध हमारे भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरुदेव भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज अपना सिख्या गुरु मानते थे, और अगर भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी नहीं होते हम कभी प्रभुपाद को प्राप्त कभी कर ही नहीं सकते थे, यही महापुरुष ही अपना पैसा का किराया दे करके रीढ़ी बन करके उन्होंने किराया दे करके प्रभुपाद को उन्होंने प्रचार में लाए, उन्होंने अगर ये महापुरुष नहीं होते तो हम कभी प्रभुपाद को प्राप्त कर ही नहीं सकते थे, इसलिए भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज को मेरे गुरुदेव बहुत हृदय से उनको सम्मान करते थे, जब ये ग्रंथों को प्रकाशित किया भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं ये अंबेडकर हमारे जितने संप्रदाय में सो भक्ति वेदांत नाम रखना, भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत वेदांत वेदांत, कभी कभी ये वेदांत शब्द सुन करके लोग नफरत होते हैं, बोले क्यों, बोला अरे वेदांत तो ये मायावादियों का शास्त्र है, वेदांत है ये सब क्या, वेदांत वेदांत सब ये, क्योंकि शंकराचार्य के भाष्य है भक्ति प्रज्ञान का, नहीं ये मायावादियों का ग्रंथ है, नहीं वेदांत श्री व्यास का ग्रंथ है, ये श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं ये हमारी ग्रंथ है, वेदांत है, बोले वेद का अंत क्या है, बोले वेद का सार क्या है, बोले निगम कल्प तरूर गलित सुख मुखाद अमृत द्रव सचुम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है ये कौन है, कहते ये वेदांत, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल भागवत है, हाँ वेदांत मतलब वेद का सार, कहते वेद का सार क्या, बोले भागवत, बोले भागवत का सार क्या है, बोले ब्रज भक्ति है, बोले ब्रज भक्ति में तीन तरह का विशेष भक्ति, दास्य सख्यवाद सख्यवात्सल्य मधुर, कहते मधुर रस में, कहते मधुर रस का अधिष्ठात्री देवी कौन है, बोले ब्रज गोपियां, लेकिन ये गोपियां किसकी चरण की सेवा करती हैं, बोले सर्व गोपेषु सेवई का विष्णु रतंत वल्लभा, चरण की वंदना करते हैं, इसलिए रास लीला में जो राधा रानी अंतर्ध्यान होगी कृष्ण राधा रानी को लेकर गोपियां जब ढूंढ रही थी, लेकिन कृष्ण का दोनों चरणों के बीच में जब एक छोटी सी चरण देखा जिसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, बल्कि क्यों, बल्कि श्री सुख प्रिया सुख श्री वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांत सस्य रस रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी, ये सुखदेव कौन है, राधा रानी के निकुंज में रहने वाले, कभी कभी राधा रानी इनको अपना प्यारे कृष्ण स्वरूप जानकर चुंबन करती थी, इसलिए जिनकी अधरा में तो ये सुख का मुंह लगा हुआ, इसलिए वहां पर इतने इतने बड़े बड़े विद्वान रहते हुए भी, लेकिन कथा सुने तो किसकी मुंह से कथा सुने, सबसे नंगे धड़े के सबसे छोटे बच्चे से क्यों, बोले प्रिया सुख श्री वृषभान जाया, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी राधा पखिया है और राधा रानी के चरण की सेवा करती है,
दोनों चरणों को देख करके यहाँ पर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो श्लोक है ना भागवत में, जैसे दोनों पक्ष में युद्ध हो, जिस पक्ष में जय होता है, जैसे शंख लेकर के ध्वनि करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, विजय हमारे प्राप्त हुई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को द्वारा कहते, जितने भी यहाँ पर स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सबके सब थे, लेकिन श्याम सुंदर लेकर गए किसको है, किशोर जी को लेकर गए, श्री राधा रानी को लेकर गए। इसलिए अनयाराधित नूनम भगवान हरीश्वर, इसलिए यही राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र को पर जब गुरुदेव ने लिखे, वो कह रहे हैं उन्होंने दूसरे दूसरे संप्रदाय में भाष्य है, श्री भाष्य पर्याप्त भाष्य है, लेकिन वहां पर केवल दास्य सख्य रस तक दिखाया और कोई रस नहीं दिखाए। लेकिन श्री बलदेव प्रभु जिस समय उन्होंने गोविंद का आदेश पर, जिस समय उन्होंने इसी विषय पर भाष्य लिखा, उन्होंने श्रृंगार रस को उन्होंने दिखाया, जैसे जन्मादस्य जतः। लेकिन इसी विषय में श्री वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, जिनसे जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो श्लोक व्याख्या करते हैं, बोले जन्मादस्य जतः जतः आद्य रसः जन्म, बोले जिनसे आद्य रस श्री श्रृंगार रस की जिससे प्रकट हुई, बोले वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते अन्यादितरतस्य, बोले रस कब प्रकट होता है, बोले कृष्ण जब अनुकूल नायक हो, राधा रानी जब स्वाधीन भत्रिका हो, तभी रस की परिपूर्ण प्रकाश वहां पर अद्भुत रूप में उन्हें राधा रानी की। इसलिए भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं मेरे गुरुदेव के बारे में, श्री भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, इन्होंने ये वेदांत सूत्र में उन्होंने संपूर्ण रसवर को उन्होंने व्याख्या किया है। इसके ऊपर भी गुरुदेव का व्याख्या व्यास्य गुरुदेव का उन्होंने इतने प्रसन्न हुए, वो कहते हैं जगत में एक होता है बृहत मृदंग है, मृदंग तो तीन तरह का, एक तो बृहत मृदंग और एक जीवंत मृदंग और एक है वैसे जो मृदंग है। वो कहते हैं हम कहते हैं जीवंत मृदंग कौन है, बोले जो साक्षात रूप में भगवत कथा को जो प्रचार करते हैं वो जीवंत मृदंग है। कहते जो जीवंत मृदंग को एक उदाहरण देते हैं, गोपियां कहती ना तव कथा मृतम तप्त जीवन कभी मेरे पिताम कल्मषा जगत में स्थिर रूप में जो रख करके जाते हैं, बोले मतलब जो ग्रंथ रूप में जो कथा दान करते हैं, जैसे कथा सुनाई खत्म, लेकिन वो कथा को चिरस्थायी रूप में जगत में रख्या करके जो जाते हैं, कहते सबसे बड़ा दानी, कहते भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज उन्होंने ये काम उन्होंने किया है। इसलिए गुरुदेव ने जो ग्रंथों को पर जो किया है, जो विद्वान वही केवल समझ सकते हैं, क्योंकि कथन अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, कहते अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, बोले ब्रह्म सूत्र का अर्थ कौन है, बोले भागवत, लेकिन भागवत अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम ये भागवत अर्थ है। तब भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं हम मेरे गुरुपाद पद में उन्होंने प्रत्येक को उन्होंने सूत्र को ऊपर में कहां पर ये वेदांत सूत्र भागवत का कौन सा श्लोक को लक्ष्य करता है, क्योंकि अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ कैसे, तब मेरे गुरुदेव प्रत्येक सूत्र को ऊपर में ये सूत्र भागवत में कौन सा श्लोक को लक्ष्य करता है, वो श्लोक को उन्होंने ढूंढ करके उन्होंने पूरा भागवत से पूरा वो सूत्र को ऊपर में दिया। महाराज जी कह रहे हैं जो जानते हैं जो तत्वदर्शी है केवल वही समझ सकते हैं ये भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज ने कितने बड़े उन्होंने अर्थ एवं ब्रह्म सूत्र नाम को कैसे स्थापित किया, केवल वही व्यक्ति ये चीज को जानते हैं, सब ये चीज को नहीं जानते हैं, ये चीज को कहते हैं। और भक्ति गुरुदेव श्रौती गोस्वामी महाराज वो कहते हैं, कहते मैं जब भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज मैंने सुना ये ग्रंथों को प्रकाशित तो किया, मैं भक्त भक्त वहां पर गया, जा करके उनको मैंने बताया, प्रभुपाद जाने से पहले ये बात मेरे को बोल कर गए थे, भक्ति गुरुदेव
तुम ये गौड़ीय जब तक हमारे अपना संप्रदाय का कोई भाष्य ये तीन ग्रंथ में नहीं हो तो उसको संप्रदाय नहीं मानी जाती है। मैंने कोशिश की लेकिन पूर्ण रूप में नहीं कर पाए, लेकिन तुमने ये काम को कर रहे हो देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज को महाराज कह रहे ढूंढ ढांड करके उन्होंने दिए, यहाँ तुम इस सब ग्रंथ को लेकर के तुम ये हमारे जो वेदांत सूत्र तुम रचना करो। इसलिए उन्होंने गुरुदेव चार चार इतने मोटे मोटे ग्रंथों को और जो वेदांत है आप जो छोटे छोटे सब अर्थ है ब्रह्म इसमें जो अनावृत शब्दात अनावृत शास्त्र ज्वनिद्वार छोटे छोटे शब्द में सारे सिद्धांत हो इतना आसानी ग्रंथ नहीं पढ़ अगर एक सूत्र पढ़ ना दांत टूट जाएगा मतलब इतने वो सिद्धांत। लेकिन उनको अत्यंत सरल रूप में गुरुदेव दिया। फिर क्या किया जो गीता के ऊपर में कहते से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये दोनों गीता के ऊपर में मेरे गुरुदेव अपना भाषण लिखा। इतना नहीं जो उपनिषद है उपनिषद ग्रंथ में गुरुदेव ने वहां पर मठ से उन्होंने सारे उपनिषद कठो केनक और मंडप मोरे में सार उन्होंने उपनिषद को रचना की। उपनिषद बड़े कठिन ग्रंथ है। केवल इतना नहीं उन्होंने उद्धव संवाद को भी उन्होंने उद्धव संवाद ग्रंथ को गुरुदेव प्रकाशित किया अपने व्याख्यान में। इतना नहीं कहते किरण बिंदु किरण कणा यही ये तीन वैष्णव पणा है। ये ग्रंथ को तो जैसे श्री रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल निर्मणी लघु भागवत लेकिन ये ग्रंथ को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का क्या था। लेकिन मेरे गुरुदेव फिर बगला भाषा में उन्होंने तीनों तीनों ग्रंथों को रचना की। केवल इतना ग्रंथ नहीं मेरे गुरुदेव ने फिर उन्होंने महाजन गीत संग्रह उन्होंने दो ग्रंथ निकाले महाजन गीत शरणागति एक कल्याण कल्पतर रूप में दो बड़े बड़े ग्रंथ निकाले। इतना नहीं आप लोग मेरे गुरुदेव का ग्रंथ को पढ़ना उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर में जो बात बताया ना अद्भुत बात बताया प्रभुपाद के ऊपर में कहते प्रभुपाद का दो रूप में उनका प्रकाश है। एक साधारण व्यक्ति को पास में उनका एक प्रकाश है लेकिन उनको जो निजजन को पास में और एक प्रकाश गुरुदेव कहते हैं। साधारण रूप लोग क्या कहते हैं कहते नाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दीना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती किसने उपाधि दिया तथा कथित जितने विद्वान लोग थे प्रभुपाद की विद्वता को देख करके उन लोगों ने टाइटल दिया है। सचमुच से दूसरे सरस्वती जैसे उन्होंने विद्या में हाँ उनको सर्वोच्च पद देना चाह रहे थे। उनको जो ज्योतिष विवाह का प्रभुपाद ने बोले मैंने ईंट पत्थर गिनने के लिए नहीं आया हूँ मैं मिस्त्री नहीं मैं तो महाप्रभु का पियर हूँ। ये कहते हैं ये साधारण लोग लेकिन उनका अंतरंग लोग वो क्या कहते हैं बोले श्री भार्गवी देवी दैताय कृपा भये कृष्ण समन्ध विद्यालताय प्रभु विनो। इसलिए हमारे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज उन्होंने जो लास्ट कहते हैं ना पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में जाती थी लेकिन बाहर एक भावना है लेकिन अंतर भाव क्या है साधारण लोगों को दिखाने के लिए कहां जा रही है सूर्य का समय सूर्य पूजा करने के लिए लेकिन अंदर में कृष्ण मिलन के लिए जा रही है। इसलिए कहते से हमारे गुरुदेव कह रहे हैं प्रभुपाद ठीक उसी तरह साधारण रूप में देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो दूसरे जो सरस्वती है विद्या में हाँ उसी समय ऐसे कोई विद्वान नहीं थे प्रभुपाद के बराबर जैसे साधारण रूप में लेकिन अंदर भाव में देखो प्रभुपाद स्वयं कहते हैं मैंने जो चीज देने के लिए आया वो चीज मैंने नहीं दे पाया। इसलिए मेरे गुरु पाद पद्मों का 31 उपदेश है गुरुदेव लास्ट उन्होंने 31 उपदेश देकर गए लेकिन जितने सारे उपदेश है ना सब रूप गोस्वामी का रूप गोस्वामी का क्योंकि हमारा जो परंपरा है इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना रूप गोस्वामी के चरण की धूल बलना ही जीवन का एक उद्देश्य है हाँ यही प्रभुपाद यही चीज तो बताने के लिए आए। इसलिए हमारे जितने आचार्य क्या कहते हैं रूप रघुनाथ पदे हरि बेरा को दी कबे हम भोज बसे जो लपिरी रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आस प्रार्थना
उपदेश आप लोग जरूर पढ़ना, इतने अच्छी अच्छी उपदेश है। भविष्य में गुरुदेव जाने के बाद शिष्य का असली स्वरूप प्रकाश होता है। उन्होंने इसी विषय पर उन्होंने जो अच्छी अच्छी बात बताया ना, गुरुदेव जाने के बाद क्या क्या होता है, इसके कैसे सावधान रहनी चाहिए, गुरुदेव ने बहुत अच्छी रूप में से बात बताया, अद्भुत रूप में है। और इनके अंदर में जो गुरु निष्ठा थी मैं स्वयं देखा है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण जप करते ना, मैंने देखा गुरुदेव को दिन रात हा प्रभुपाद सारा दिन प्रभुपाद का नाम लेते थे। हा प्रभुपाद सारा दिन केवल प्रभुपाद का नाम लेते थे। मैंने देखा है, मैंने स्वयं देखा प्रभुपाद का नाम लेते थे। मतलब वो गुरु निष्ठा देते थे, अगर ये प्रभुपाद नहीं आते तो हम लोग कोई उद्धार करने वाले कोई नहीं, क्योंकि राधा रानी की कृपा कटाक्ष करुणा गुरुमयी करुणा धरित है, राधा रानी करुणा की कृपा मूर्ति है। तब भी हम इतने जीव को अनर्थ ग्रस्त जीवों को तब भी हमें आश्रय मिला, अगर इनकी कृपा नहीं होता तो हम कहाँ नरक के कीड़े थे, हमको कहीं हम देखो आप स्वयं देखो आप कहाँ से, आप काशी महाराज एक जगह से, इन्होंने एक जगह से, सारा दुनिया को देखो कहाँ से हम आए। लेकिन कभी एक दिन वृंदावन में बैठी करके हम कभी साधु समाज में कहीं हम भगवत कथा चर्चा कर सकते, आप कभी सोच सकते हो? मैं जब अपना कथा सोचता हूँ ना, मैं सोच भी नहीं सकता किसी गाँव की कोण में मेरे जन्म है। लेकिन प्रभुपाद का गण में कोई कैसे गया और उनको देख कर कैसे हमारे अंदर भावनाएं कैसे यहाँ पर आए, इसलिए ये सब के सब ये प्रभुपाद का आशीर्वाद। इसलिए गुरुदेव सारा दिन हा प्रभुपाद और एक कथा सुना कर खत्म कर देता हूँ। देखो प्रभुपाद का गण का देखो क्या महिमा है। मैं एकदम नया मंदिर में आया, नया मेरे कुछ पता नहीं, भक्ति नया आया हूँ। एक दिन मेरे गुरुदेव, देखो प्रभुपाद का गण कैसे है, एक दिन मेरे गुरुदेव बोले, उनका जो भक्त लोग थे हमारे मंदिर में उस समय पूरी महाराज भी थे प्रेमान हम कुछ भक्त लोग, तो गुरुदेव कहते हैं देखो मेरे को लेने के लिए रथ आया, गुरुदेव साक्षात है मेरे को लेने के लिए रथ आया है, गोलोक वृंदावन से कह रहे मेरे को स्नान करा और मेरे को तिलक लगा, मैं अभी जाऊँगा। भक्त लोग रोने लगे, गुरुदेव कह रहे मेरे को रथ आया लेने के लिए, अरे मैं गोलोक वृंदावन जा रहा हूँ। गुरुदेव को स्नान कराया, तिलक कराया और गुरुदेव बैठे थे माला जप कर रहे थे और आँख बंद किए हुए, हमारे जितने गुरु भाई लोग थे बैठ के कीर्तन कर रहे थे। गुरुदेव बोले अभी मैं भी जा रहा हूँ। सब दुखी होकर रो रहे। जब कुछ थोड़ी देरी बाद में फिर गुरुदेव कहते हैं देखो महाप्रभु कह रहे हैं और कुछ तुम्हारी और कुछ दिन तुम रुक जा, अभी तुम्हारी काम पूरी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ और मैं किस दिन रुक करके जाऊँ। देखो ये बात कौन बोल सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं ये बात को कौन बोल सकता है। इसलिए जो प्रभुपाद का निज जन है वही केवल बोल सकते हैं। इसलिए इसका मतलब है प्रभुपाद का जो परिकर है वो साधारण व्यक्ति कोई नहीं है। राधा रानी को होकर के वो निकुंज से आए हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, ऐसे ऐसे महाप्रभु का जो दर्शन किया है, ऐसे ऐसे महाप्रभु का जो चरणाश्रय किया है। अगर इसी लाइन में अगर केवल हम खड़े रहेंगे तो हमारे गुरुदेव, देखो एक बात आप लोग अच्छे तरह समझो, गुरुदेव का जो बोलते थे बोले देखो एक जीवन किसी तरह से वैष्णव का डंडा खा करके भी एक जीवन बिता दो हमारे गुरुदेव, और कुछ करने का जरूरत नहीं, कुछ किसी तरह से जैसे तिलक हरिनाम भजन करते रहो, हरिनाम करते हैं करते करते किसी तरह से एक जीवन किसी तरह से प्रभुपाद का गण को अनुगत में जीवन बिता दो, इसको तरह सुकृति होगी, सुकृति पुष्ट होने पर धीरे 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 आगे फिर भजन में बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद का जो अंतिम उपदेश था सत लज्जना सत गंजना सत अपमान सुनकर भी भजन कभी छोड़ना है। मेरे गुरुदेव कहते थे जीवन में भक्ति में बड़ी विपत्ति आएगी, बड़ी आंधी तूफान आएगी, लेकिन भजन कभी छोड़ना नहीं, सारा जीवन भजन में रह करके किसी तरह से एक जीवन को बिताओ, फिर संस्कार मिलेगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज श्री गुरुपाद पद्म का तिरुभाव तिथि है, हम श्री गुरु जी से प्रार्थना करते हैं गुरु जी हम सबको ऊपर में हम लोगों को ऊपर में कृपा करें, जैसे उन्होंने प्रभुपाद के अनुगत्य में एक जीवन जैसे बिताया, हम भी ऐसे गुरु वर्ग का अनुगत्य में गुरु वैष्णव की सेवा करते करते एक जीवन अगर बीत जाए समझो हमारे जीवन धन्य हो गए। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को ही समाप्त करता हूँ। बांछा कल्प कल्पस्त कृपा वैष्णवे नमो नमः।
हरे कृष्णा एक बार आरती हपे हमारे साथ मार थोड़ा हमारे मिठाई प्रसाद वगैरह महाराज बोल से जितने हमारे वैष्णव लोग बाहर से भक्त लोग कैसे ऊपर है सबके लिए ऊपर रूम व्यवस्था अगर कोई विशेष कारण से ऊपर नहीं जा सकते हैं आप लोग नीचे आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी लेकिन हम जितने हम बाहर से जितने वैष्णव लोग हैं सभी के लिए ऊपर व्यवस्था है ठीक है और जितने माताएँ हैं सबके सब नीचे ऊपर में थोड़ी देर बाद में जितने माताएं आए वो जो वैष्णव लोग प्रसाद पा कर चले जाए उसके बाद में फिर आप लोग भी प्रसाद पाना इसलिए तब तक 5-10 मिनट के लिए आप यहीं पर विश्राम करना अभी महाराज जी गुरु जी को ऊपर में बड़े सुंदर श्लोक लिख कर लाए हैं श्री गोविंद महाराज जी देखो हम गोविंद महाराज जी को महाराज ने बहुत फोन किया कहाँ पर लेकिन महाराज का पता नहीं कैसे फोन क्या हो गया इसलिए महाराज जब मैं सवेरे आया तो मैंने कहा गोविंद महाराज नहीं आ रहे बोले उनको फोन ही नहीं ले रहा किसने कहा नहीं मैंने सुना मैं आया यूरोप से कल आया किसने कहा नहीं महाराज तो अभी कल दिल्ली में गए थे हाँ बोले महाराज दिल्ली में फिर पता चला महाराज जी आ गए यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन बोले अहो भाग्य महाराज जी से वैष्णव आ गए तो फिर प्रभु जी से बात किए बोले महाराज जी आए इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान श्री गोपानंद वन महाराज जी भी आए और श्री महाराज जी भी आए और बहुत सारे वैष्णव आज गुरु जी की तिथि में आए हम सबके सब आभार हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर आए और सबको चरण हम प्रणाम करते हैं जो गुरु जी की तिथि में हम लोग पधारे भाई महाराज कुछ श्लोक बोलने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वतीष्टम पादार्थदशार्पित जीववृत्तम आचार्य वज्रं च दिवान भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभुं नमामि श्री भारती स्थापित आसनादि पतिं जतीन्द्रं सतिवीरवरेण्यं प्रज्ञानबीजं च चिकीर्तिमन्तं श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि प्रचारकेन्द्रं तमकुण्डवाग्मीं प्रधानमादाक्षगुणैर्महिष्टं तीर्थे च तीर्थप्रवरे कृतज्ञं श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि वेदान्तचतुरोपनिषत्सु गौडो भाष्यानुवादादिकृतं मन्त्रं गर्भात्मदैवं तमभीष्टकार्यं तदभीष्टकार्यं श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि चैतन्यकृष्णे परिनिष्ठितन्तं रूपानुगं भक्तिदशानुरक्तं श्रीकृष्णसङ्कीर्तनराजमुग्धं श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि बादीनिचिह्नं परमार्थपात्रं सद्धर्मसंस्थापनसम्मतिष्ठं साधूत्तमं भागवतार्थदीपं श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि बादीनिचिह्नं सिंह का प्रभाव जैसे सबके ऊपर सब प्राणियों के ऊपर ऐसे ही सिद्धांत सिंह वादिनी जी के गुण शरण मंत्रे च तंत्रे विबुदं शरणं युक्तौ च दक्षं वदने कृतार्थं गच्छामि पादानुचरितशीलं श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि मैत्री कृपा प्रेम सदाभिषिक्तं शत्रौ हितैचि प्रवरं प्रशान्तं गोविन्द राधानुचरी स्वरूपं श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि श्रीरूपसिद्धान्ते प्रभुं नमामि जय विश्वात् भक्ति श्रीरूपसिद्धान्ते गोस्वामी तद्योति त्रिवाक्तिपदा महामोक्षाव की Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Oh.
Thank you.